डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे, यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम पेपर है हमारे पास बीएससी सेकंड ईयर का, मैथमेटिक्स का 2022-23 का, और टॉपिक इसमें हमारा है इंटीग्रल कैलकुलस एंड वेक्टर एनालिसिस। स्टूडेंट, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो वही रहते हैं, एग्ज़ाम पेपर का पैटर्न चेंज हो जाता है, और इस उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में अगर कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर भेज दूंगी। और मैंने इन्हीं ज़्यादातर क्वेश्चंस पर यूट्यूब के शॉर्ट्स वीडियो बनाए हैं, उन्हें आप वहाँ से देख भी सकते हैं, वो इनसे मिलते जुलते ही क्वेश्चंस हैं। और जैसे इसमें सेक्शन ए में हमारे पास शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, उसमें से हमें 5 क्वेश्चन करने हैं। ऐसे ही सेक्शन बी है, उसमें हमारे पास लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, उसमें से हमें 3 क्वेश्चन करने होते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है, हमें इंटीग्रेट करना है, डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है ये, जैसे 0 से π/2 log sin x dx। सेकंड क्वेश्चन में हमें बीटा गामा फंक्शन को डिफाइन करना है और प्रूफ करना है कि रूट गामा हाफ की वैल्यू √π होती है। थर्ड क्वेश्चन में हमारा डबल इंटीग्रेशन का है। फोर्थ क्वेश्चन हमारा जो है, इसमें हमें लेंथ ऑफ कर्व निकालनी है। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा वेक्टर एनालिसिस का है। सिक्स्थ क्वेश्चन अगेन, उसमें हमें कर्ल और ग्रेडियंट फाइंड करना है। और सेवेंथ क्वेश्चन फिर से हमारा वेक्टर एनालिसिस का है। एट्थ क्वेश्चन भी हमारा वेक्टर से ही है। और सेक्शन बी में फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इंटीग्रेशन का है, इसमें हमें इंटीग्रेट करना है एज ए लिमिट ऑफ सम। और सेकंड क्वेश्चन बीटा गामा फंक्शन वाले चैप्टर से है। थर्ड क्वेश्चन में ट्रिपल इंटीग्रेशन है। फोर्थ क्वेश्चन हमारा वेक्टर से है, और फिफ्थ क्वेश्चन भी हमारा वेक्टर एनालिसिस से है। स्टूडेंट, इस पेपर का पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से इसको आप चेक कर सकते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करके आप मुझे लिखिएगा, मैं उसका आपको आंसर भेजूँगी। Thanks for watching.